हाय गाइस, आज का ये वीडियो एक ब्लॉग टाइप का होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ क्रोमा में। मेरे जो ईयरफोन्स हैं एप्पल के लाइटनिंग केबल वाले, वो ख़राब हो गए, मुझे नए खरीदने हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, उनको खरीदते हैं और देखते हैं क्या प्राइस है आईफोन्स की, आईफोन 12, आईफोन 13, 14 की क्या प्राइस है, कोई स्पेशल डिस्काउंट है या फिर नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा, चले चलते हैं क्रोमा। प्राइस MRP जो है वो 2000 रुपये है। फ्लिपकार्ट से कल मैंने ऑर्डर कर दिए थे, वो आ नहीं पा रहे, मतलब कल आएंगे, डिले हो जा रहा है वहाँ पर 1700 में मिल रहे थे। और देखते हैं क्रोमा में क्या प्राइस है, और अगर वहाँ नहीं हुआ तो हम चलेंगे यहाँ पे आई एक्सप्रेस करके एक जो है स्टोर है एप्पल का, सो वो खुल गया है, वहाँ पर भी चेकआउट कर लेंगे। पास पास में ही है, देखते हैं कहाँ पे सही क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे क्रोमा भी सही मिल जाएगा। कि क्रोमा 11 बजे खुलता है, अभी बज रहे 10:30, मुझे अर्जेंट चाहिए, सो मैं आई एक्सप्रेस चलता हूँ, यानी कि एप्पल का जो स्टोर है वहाँ पर चलते हैं, वहीं से ले लेंगे और वहीं चलते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा। क्रोमा वाले कौन सा देखते हैं, मुझे यहीं से डायरेक्ट ऑटो पकड़नी पड़ेगी, वहाँ तक बस जाती नहीं है। करोल बाग जाओ, फिर वहाँ से उतर के पैदल जाओ, चक्कर हो जाएगा सही से। ऑटो ले लिया है, आप यहीं से डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि बस का चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि आज ब्लॉग बनाना है, मुझे भोला मूवी देखने जाना है, तो इस चक्कर में मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑटो पकड़ लिया है, डायरेक्ट चल रहे हैं। वैसे भी मैंने क्रोमा जाके बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और एप्पल के स्टोर आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब मैं गया तो बहुत बार हूँ, बट यहाँ पे वीडियो बनाने के बस सबसे आज पहली बार जा रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। मौसम आज भी बहुत अच्छा है, कल की तरह। एक्सप्रेस यहाँ पे मैं अपना सामान जो है अपना एयरपॉड्स खरीद लेता हूँ, एयरपॉड्स, उसके बाद चलते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे जो है एप्पल की एसेसरीज़ भी हैं, जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, वो यहाँ पे लेने लायक नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। मैकबुक एयर रखा है यहाँ पे, मैकबुक प्रो भी रखा है, बट यहाँ पे इनकी जो प्राइस वगैरह है, इसके जो अभी इसकी डिटेल जो है वो अभी यहाँ पे इन्होंने नहीं चिपकाई है। यहाँ पे जो आप लोग बोर्ड देख रहे हो वाइट कलर का, यहाँ पे इसकी जो डिटेल होती है प्राइसिंग की, वो यहाँ पे ये लोग लिख देते हैं। सो अभी सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी आ गया कि इन लोगों ने अभी वो सब किया नहीं है। बात करें यहाँ पे फ़ोन्स की, आईफोन 12 की जो प्राइस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 58,000 रुपये है। 58,000 रुपये में आईफोन 12 2023 में कौन लेगा, आप ही बताओ। आईफोन 13 68,000 रुपये में, जबकि 67,000 रुपये में आईफोन 14 ऑलरेडी आई फ्लिपकार्ट जो है बिक चुका है। सो इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईफोन 14 की, तो इसकी प्राइस है 76,000 रुपये, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा। और ये 76,000 रुपये कैश में नहीं है, HDFC का कार्ड लगाओगे तब है, अगर कैश में लोगे तो ये 80,000 रुपये का है। और यहाँ पे आप आईफोन 14 प्लस देख रहे हो, वो है 85,900 रुपये का, कार्ड लगाओगे तब, अगर आपके पास कैश में लेना है तो ये 90,000 रुपये का है। सो इस प्राइस में ये बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है गाइज, बहुत ज़्यादा प्राइस है। इससे अच्छा तो अभी फ्लिपकार्ट पे जो है सेल चल रही थी, वो बेटर था। आईफोन 14 प्रो कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इसकी जो प्राइस वगैरह है, वो भी आप लोग देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके काफ़ी नीचे लिखा हुआ है। 14 प्रो मैक्स सेम टू सेम जो MRP पे लॉन्च हुआ था, वही प्राइस जो है 128 GB वाले की 1,40,000 रुपये, बहुत ज़्यादा प्राइस है गाइस। यहाँ पे एप्पल के जितने भी स्टोर्स होते हैं, इनमें जो है फ़ोन्स पे कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं होता है, चाहे आप एयर जो है अपना आईपैड एयर वगैरह की बात करो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन पर भी कुछ भी स्पेशल ऑफर जो है वो अभी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आपके पास HDFC का कार्ड होता है तो उसमें 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है ऑफर मिल जाता है कैशबैक। और यहाँ पे एयरपॉड्स वगैरह रखे हुए हैं, जिन पर भी कोई स्पेशल डिस्काउंट जो है वहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे जो दो वॉच भी रखी हुई हैं, एक वॉच सीरीज़ 8 है और ये एक AC रखी हुई है। सो यहाँ पर भी कोई भी अच्छे ऑफर जो है आपको एप्पल वॉच पर भी नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इधर केस वगैरह रखे हैं एप्पल के, सो यहाँ भी काफ़ी महंगे हैं। और आईफोन जो है XR यहाँ पे AC2 पड़ा हुआ है, XS मैक्स पड़ा हुआ है, सो इनके बारे में मैंने पूछा नहीं, फिर कभी आऊँगा तब मैं बात करूँगा। और यहाँ पे जो कवर वगैरह रखे हैं, ये भी 5,000-5,000 रुपये वाले कवर हैं, बहुत महंगे केसेस हैं यहाँ पे। सो एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप जो है एप्पल स्टोर से लेते हो तो काफ़ी महंगा पड़ता है। खरीदिए इनके एयरपॉड्स, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं, 2,000 रुपये MRP है, 2,000 रुपये का मिले हैं। क्रोमा पे भी शायद यही प्राइस रहता है, तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे चीज़ ये ना ओरिजिनल जेन्युइन मिल जाती है। और आईफोन की जो प्राइस थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, कुछ खास डिस्काउंट है नहीं यहाँ पे,
और डिस्काउंट आपको अगर चाहिए होता है तो वो बिग बिलियन डे सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी आईफोन को ख़रीदने के लिए। यहाँ पे आपने देखा आईफोन 14 की भी जो प्राइस है, 13 की प्राइस है, 12 की प्राइस है, वो बिल्कुल भी लेने लायक नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपको कोई लेना रहता है तो बिग बिलियन डे जो है सबसे अच्छा टाइम रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपना सामान ले लिया है और अब चलते हैं घर, बाकी बात करते हैं बाद में। आ गया हूँ मैं घर, मैंने आपको दिखा दिया गाइस कि जो है कितना महंगा जो है अभी प्रोडक्ट जो है मिल रहा है एप्पल का, एप्पल के स्टोर पे। सो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई आईफोन चाहिए, तो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा बिग बिलियन डेज, वहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। अभी जो 2023 का बिग बिलियन डेज सेल आएगा, उस टाइम पे आईफोन 12 की जो प्राइस होगी वो आपको जो है 30,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, आईफोन 13 40-45 में मिल जाएगा, 14 आपको 50-55 के बीच में मिल जाएगा। बट यहाँ पे आज के टाइम पे इन सभी फ़ोन्स पे जो है बहुत ही बेकार ऑफर्स चल रहे हैं। सो वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का, बीच बीच में भी सेल आती रहती है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, सो वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कुछ ऑफर्स जो है कभी कभी मिल जाते हैं। सो इनसे तो बेटर रहता है ऑफलाइन स्टोर से, ऑफलाइन पे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। सो अगर आपको लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई अगर सेल आती है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, सो उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।